Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक अरबपति बाप की है जो अपने तीनों बच्चों से इतना ज्यादा तंग आ जाता है कि कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जो उन्होंने कभी सोचे नहीं होंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं बॉबी नाम के 55 साल के आदमी को जिसने खुद के दम पर एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खड़ी की है और उसी की वजह से आज वो करोड़ों का मालिक है। लेकिन उसके औलादे एक नंबर की निकम्मी और नल्ली है जैसे कि हर अमीर बाप की होती है कुछ को छोड़कर। हम यहाँ उसके तीनों बच्चे को देखते हैं जिसमें सबसे बड़े वाले का नाम है जर्सी जो हर दूसरे दिन अपने प्राइवेट जेट में कहीं किसी और देश में अय्याशी करता रहता है। उसे छोटा बेटा जार्वी नशे में चूर रहता है और सबसे बेटी जूली जो अपने 20 साल बड़े एक नल्ले आदमी से शादी करनी है जो सिर्फ उसके बाप के पैसों से प्यार करता है ना कि उससे। कुछ इस तरह से ये पूरा परिवार है जिसमें सिर्फ एक ही औरत की कमी है यानी कि इन लोगों की माँ की जो जब तक थी सब कुछ सही चल रहा था। वो बॉबी का सहारा थी लेकिन उनके गुजर जाने के बाद पूरा परिवार बिखर सा गया। इन लोगों को कई दिन हो जाते हैं एक दूसरे की शक्ल को देखे हुए। कुछ इस तरह से इस घर का आलम है। आज जूली का जन्मदिन है जिसकी खुशी में घर में एक पार्टी रखी गई है। वहाँ पर हम जॉनी को भी देखते हैं जिसको जूली पसंद करती है। वो उसी के घर पड़ा रहता है। वहाँ हम एक और किरदार से मिलते हैं जिसका नाम है यूजी। वो असल में इस घर में काम कर रही एक मेड का बेटा है और उसे जब भी जूली देखती है तो उसका मजाक उड़ाती है, खासकर उसकी गरीबी का, क्योंकि वो उसके सामने हमेशा उससे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हम जर्सी को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठा बुक पढ़ रहा था कि तभी वहां पर उसके डैड आ जाते हैं जिनके पास वो अपने आइडिया लेकर जाता है। पर वो इतना घटिया और वाहियात होता है कि उसके डैड के पार्टनर हलीम साफ साफ मना कर देते हैं कि उसमें मुंह पर ही उसकी बेइज्जती कर देते हैं। पर उसके जाने के बाद वो बॉबी से कहते हैं कि हमें इसको किसी मीटिंग में भेजना चाहिए, वहां जाकर हो सके जब ये 4 लोगों को देखेगा तो उनसे कुछ ज़रूर सीखेगा। कहानी और आगे बढ़ती है और हम जार्वी को देखते हैं जो अपने कॉलेज में नशे कर रहा था कि तभी उसे एक टीचर दिखती है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। उधर बॉबी जिसके पास उसके बच्चों के खर्चे की लिस्ट आती है जो बहुत ही ज़्यादा थी, जिसको देखकर वो अपने पार्टनर से कहता है कि मुझे अपने बच्चों को पैसों की इंपॉर्टेंस बतानी है कि कितनी मेहनत से उसे कमाया जाता है, लेकिन ये चीज़ कैसे होगी मुझे नहीं पता। कुछ ही देर बाद वो अपने घर चला जाता है जहाँ आज पार्टी है, पर वहाँ पर उसका मूड खराब हो जाता है क्योंकि जूली जॉनी को लेकर उसके रूम में आ जाती है क्योंकि अब वो उसे शादी करना चाहती है और इसके लिए उसे बॉबी की एक साइन चाहिए जिसके बाद जॉनी भी उसकी बेटी की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हो जाएगा। पर बॉबी ऐसा करने से मना कर देता और कहता है तुम्हें खुद का कुछ करना चाहिए। उसे अच्छे से पता था कि जॉनी अच्छा इंसान नहीं है इसीलिए वो मना कर देता। लेकिन जूली तो जिद पर अड़ी रहती है और जाकर बाहर ऐलान कर देती है कि उनकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है जिसमें सभी लोग इन्वाइटेड है। लेकिन अंदर बैठा बॉबी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था लेकिन अपनी बेटी को लेकर वो मजबूर है। अब नेक्स्ट डे जर्सी को मीटिंग के लिए जाना होता है लेकिन वो उसकी बजाय मियामी चला जाता है अपने दोस्तों के साथ खुद के प्राइवेट जेट में और उस मीटिंग को छोड़ देता है। जब इस बारे में हलीम को पता चलता है तो वो आकर बॉबी को बताता है और कहता है कि इससे हमारा कितना नुकसान हुआ है, तुम अपने बेटे को कुछ कहते क्यों नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों बॉबी को दरअसल लगता है कि उसकी वाइफ के गुजर जाने के बाद उसके बच्चे डिप्रेशन में चले गए और इसीलिए वो कोई भी काम को सीरियसली नहीं ले रहे। कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है, उसने उसके जाने के बाद उनका सही से ख्याल नहीं रखा। तभी फोन रिंग होती है जिसे उठाने पर पता चलता है कि जार्वी फिर से कॉलेज में नशा करते हुए पकड़ा गया, इसीलिए प्रिंसिपल उसे बुला रही है। अब चारों तरफ से बस मुसीबतें और परेशानियां ही सुनने को मिल रही है उसे, जिस वजह से बॉबी की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है इसीलिए उसे फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जब इस बारे में उसको बच्चों को पता चलता है तो वो फौरन उससे मिलने के लिए वहाँ आते हैं। अब बॉबी झूठा नाटक करता है, उसे हार्ट अटैक आया है इसीलिए उसे जल्दी से एडमिट कराया गया। पर वहाँ भी ये तीनों आपस में ही बहस करना शुरू कर देते हैं। किसी ने ये तक नहीं पूछा कि बॉबी की तबीयत कैसी है। ये सब देखकर बॉबी अब बहुत ज्यादा परेशान और उदास हो जाता है, इसीलिए उनके जाने के बाद वो जमील के साथ एक प्लान बनाता है कि उन सभी को सबक सिखाने के लिए कुछ दिनों के लिए वो लोग दिवालिया होने का नाटक करेंगे, यानी कि बहुत ही ज्यादा गरीब जो भी उनके पास है वो सब खो गया है और जो भी उनके पास दौलत है वो सब चली गई है। बॉबी को ये आइडिया सही लगता है इसीलिए वो फौरन हाँ कर देता है। फिर क्या था, धीरे धीरे करके तीनों के कार्ड्स ब्लॉक होने लगते हैं। पर इस चीज़ का सबसे ज़्यादा असर जूली पर होता है क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ उसके साथ, इसीलिए वो फौरन एक दूसरे को फ़ोन करते हैं और घर पर मिलने को कहते हैं। लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो वहां पर रेड पड़ चुकी थी, सब कुछ उनका सील कर दिया जाता है। जब ये सब वो तीनों देखते हैं तो बाहर की ओर भागते हैं क्योंकि वो इन्हें भी पकड़ लेंगे।
बाहर उनका बॉबी इंतजार कर रहा होता है। अब प्लान के मुताबिक वो उनसे कहता है कि असल में मेरे पार्टनर हलीम ने मुझे धोखा दे दिया और उसने मेरे जितने भी शेयर थे खुद के कर लिए और मुझे एक झूठे स्कैम में फंसा दिया जिसके लिए मुझे 23 करोड़ देने हैं। अगर नहीं दिया तो मुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा और साथ में तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम भी इस कंपनी के शेयर होल्डर हो। अब ये सुनकर वो सभी शॉक हो जाते और उन्हें तो इस बात की चिंता थी कि वो अब करेंगे क्या। बॉबी ने खुद की मेहनत से ये सब बनाया था, उसने गरीबी देखी थी इसीलिए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बात तीनों पर आती है तो काफी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। सबसे पहले तो रात होने पर ये लोग एक पुराने घर में जाते हैं जो कि एक स्लम एरिया में था। ये वही घर था जहां से बॉबी ने शुरुआत की थी और वो और उसकी पत्नी यहीं पर पहले रहा करते थे। उसने अभी तक इसे बेचा नहीं है, सालों से वो घर नहीं खुला और जब खुलता है तो उसकी हालत को देखकर तीनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस घर से बड़ा तो उनका एक रूम हुआ करता था और अब उन्हें यहीं पर रहना, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता या फिर कभी ठीक ही नहीं होगा। वो उस रात पहली बार बाहर स्ट्रीट फूड में खाना खाते हैं तो बॉबी कहता है कि अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम इस घर को खुद के पैसों से ठीक कर दो। तो जूली पूछती है कि हम पैसे कमाएंगे कैसे, तो वो बताता है कि तुम्हें काम करना होगा और वो काम तुम्हें खुद ढूंढना होगा, पर किसी को पता ही नहीं है कि काम कैसे ढूंढा जाता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के दम पर जी थी, कभी उन्होंने काम किया ही नहीं, इसीलिए ये सब उन्हें किसी सपने जैसा लग रहा होता है। खैर वो सभी सो जाते हैं और अगली सुबह उनकी पहली सुबह थी इस घर में। जूली जब नहाने के लिए जाती है तो वहाँ पर पानी की जगह मिट्टी आ रही थी, जिसे देखकर वो डर जाती है और खुद को सैनिटाइजर से साफ करके वहाँ से निकल जाती है। उसके दोनों भाई तो ऐसे ही बिना नहाए निकल जाते हैं। अब जूली जाकर जॉनी को कॉल करती है, उसे बताती है कि उन्हें कुछ दिन बाद शादी करनी होगी क्योंकि अभी उसके पास एक भी पैसे नहीं है, वो दिवालिया हो चुके हैं। ये सुनकर जॉनी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो तुरंत ही फ़ोन रख देता है बिना जूली की हाल चाल लिए। और यहाँ उसने तो खुद के घर पर उसे इनवाइट तक नहीं किया। वहीं जर्सी जाकर एक बैंक में अर्जी लगाता है उसके डैड के नाम की वजह से। वहाँ पर उसे काम तो मिल जाता है पर वहाँ की बॉस उसे वार्न करती है कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो उसे यहाँ से फायर कर दिया जाएगा। आखिर में जर्सी जाकर अपने उन्हीं दोस्तों से मिलता है जिनके ऊपर वो लाखों रुपए उड़ाता था, पर आज वो उन्हें कुछ पैसे मांगता है तो वो उसके मुंह पर ही उसके धिक्कार देते हैं। अब आपको ये कहानी अभी तक फनी लग रही होगी, पर जैसे जैसे ये अंत के करीब जाएगी आपको बहुत ही चीजें सीखने को मिलेगी। ये भी बता दे कि जिस जिंदगी को आप जी कर भी कोस रहे हैं वैसी जिंदगी जीने का कोई सपना देख रहा है, बस यही बात खुद की किस्मत को खराब कहने से पहले। अब रात में सभी लोग फिर से इकट्ठा होते हैं, जिन्होंने जितने पैसे कमाए थे वो सभी टेबल पर रखते हैं। सबसे ज्यादा आज पैसे जूली ने कमाए थे, पर तभी पता चलता है कि इस चीज के लिए उसने जर्सी की रोलेक्स को बेच दिया। ये सुनकर उन दोनों को कहां सुनी होने लगती है जिसको बॉबी रुकवाता है और तभी वहां पर उनकी वफादार मेड आती है जिसका बेटा यूजी था। वो जूली को ऐसी हालत में देखकर उसे ताना मारता है और उसको 2 साबुन की टिकियां गिफ्ट करता है। जूलू को भी समझ आ गया था कि इस समय उसके लिए साबुन की टिक्की की क्या कीमत है, इसीलिए वो उसे कुछ जवाब नहीं देती क्योंकि अब समय का पहिया घूम चुका है। वो लोग उनके लिए कुछ कपड़े लेकर आए थे जिन्हें वो बदल लेते हैं। अपनी माँ के कहने पर यूजी जूली को एक काम बताता है जो कि वेट्रेस का था उसी रेस्टोरेंट पे जहाँ पर वो काम किया करता था। या हम जर्सी को देखते हैं जो यूजी से उसके लायक का कोई काम बताने को कहता है तो वो उसे एक बस ड्राइवर बनने का ऑफर देता है। सब पैसे का खेल है भैया, वरना कुछ भी नहीं था, सब मिट्टी है। अगले दिन जूली उस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ के बॉस से बात करके उसे काम मिल जाता है, पर वहाँ की गंदगी को देखकर जूली काम करने से इनकार कर देती है। तब यूजी उसे डांटते हुए कहता है कि अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें ऐसे ही काम मिलेगा, वरना जाकर घर में बैठ जाओ। उधर जर्सी प्राइवेट जेट से सीधा बस पर आ गया था, वो एक पब्लिक बस का ड्राइवर है। उसके साथ ही जब भी उसे देखते थे तो उसका मजाक बनाया करते थे, किसी समय उसने भी उनके साथ वही किया था। वहीं घर पर बॉबी उसके घर की टूटी चीजों को ठीक करने में लगा रहता है। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय आगे बीत रहा था ये तीनों ही इस जिंदगी में ढल जाते हैं और अपने अपने कामों में बखूबी करना शुरू कर देते हैं। जर्सी खाना भी बनाने लग गया था, पर जूली के लिए अभी मुश्किल थी क्योंकि वो सही वेट्रेस नहीं थी। कुछ लोग उसके एरोगेंट बिहेवियर की वजह से बिना बिल दिए ही वहां से चले जाते थे, जिसकी वजह से उसे अपनी सैलरी से पैसे देने पड़ते थे। जब कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है तो उसे समझ आ गया कि कैसे उसे यहाँ पर बिहेव करना है, इसीलिए वो सबसे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है जिससे कि उसे टिप भी मिल जाया करती थी। वहीं दूसरी ओर हम जर्सी को देखते हैं जिसको वही उस दिन वाला बस ड्राइवर तंग कर रहा होता है, जिसके चक्कर में वो उस बस को पार्किंग एरिया में खड़ा कर देता है, जिसके चलते उसे फाइन भी भरना पड़ता है। उन तीनों को आम इंसान की जिंदगी के परेशानियों के बारे में पता चल रहा था, वो कैसे अपनी जिंदगी इतनी तकलीफों के बावजूद जीते हैं।
अब घर आने पर बॉबी देखता है कि उसकी बेटी जबरदस्ती उल्टी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे ज्यादा उसे शौक तब लगता है जब वो जानता है कि ये काम वो अपने स्कूल टाइम से करती हुई आ रही है। बॉबी उसे ऐसा करने से मना करता है कि इससे उसके चलते बीमारी भी हो सकती है। उसको फिकर करते हुए देखकर जर्सी टॉन्ट मारता और कहता है कि अगर आपने यही चीज पहले की होती तो शायद आज वो ये नहीं कर रही होती। बॉबी को भी रियलाइज होता है कि वो पैसे कमाने में इतना बिजी हो गया कि उसने अपने बच्चों को कभी केयर नहीं की। उधर हम जूली और यूजी को देखते हैं जो रेस्टोरेंट के सामान के लिए पास के ही मार्केट में जा रहे होते हैं। जूली को ठंड लग रही होती है तो यूजी उसे अपना जैकेट देता है पहनने के लिए, जिसके बाद हम उन दोनों को सामानों को ढूंढते हुए देखते हैं। फिर अंत में दोनों ही साथ में बैठकर स्ट्रीट फूड खाते हैं जो कि जूली को पसंद आने लगा था। इंसान किसी भी हाल में खुद को ढाल सकता है अगर वो चाहे तो। पर वहाँ उसका बॉयफ्रेंड जिसे वो शादी करने वाली थी वो कई अमीरों वाले होटल में ऐश कर रहा था क्योंकि अब उसका किसी और अमीर लड़की के साथ चक्कर है। पर उसी दौरान उसे होटल में हलीम दिखाई देता है जो आराम से घूम रहा था, और उसको देखकर उसे कुछ डाउट होता है क्योंकि कोई अपने पार्टनर को धोखा देकर इतने आराम से कैसे घूम सकता है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, जिसके लिए वो उसके पीछे लग जाता है। इधर एक दिन जब यूजी जर्सी से मिलने के लिए जाता है तो उसी समय जर्सी वहीं ड्राइवर दिख जाता है जो उसे हर दिन तंग किया करता था। आज वो उसके सामने आया है इसीलिए वो जाकर उससे बिना कुछ बोले ही मारना शुरू कर देता है, उसके पैसे भी छीन लेता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो भी वही बुक पढ़ता है जो वो पढ़ता है तो उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और फिर जर्सी उसे अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे लोग गरीब से अमीर बनते हैं, लेकिन वो अमीर से गरीब बन गया। अब महीने खत्म होने को आ गया था, सभी को सैलरी दी जाती है। रेस्टोरेंट में जूली की सैलरी से कुछ पैसे काट लिए जाते हैं जिसकी वजह से वो बॉस से ही भिड़ जाती है। तब यूजी आकर उसे संभालता और ऐसा दोबारा ना करने को कहता है। अब सभी भाई बहन अपनी अपनी पहली सैलरी से उस घर को रेनोवेट करवाते हैं जैसे कि बॉबी ने उनसे कहा था। पर वहां पर जारवी नहीं होता तो बॉबी जर्सी से पूछता है कि वो कहाँ है। वो बताता है कि वो महीने में एक बार नशा मुक्ति केंद्र जाता है। ये सुनकर बॉबी बहुत इमोशनल हो जाता है। आज उसके बेटे वही बन रहे हैं जो हमेशा से बनाना चाहता था। गरीबी सबको सिखा देती है। वेले एक दिन रेस्टोरेंट में पार्टी होती है सभी स्टाफ के लिए, जिसमें जूली यूजी को किस कर देता है। उधर हम घर पर देखते हैं वहाँ जॉनी आया हुआ है। उसे पता चल चुका है कि असल में बॉबी झूठा नाटक कर रहा है, उसे तो जल्दी से उसकी बेटी के पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो उसके ऊपर दबाव बनाता है। उन्हें अपने बच्चों से झूठ कहना होगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उन्हें बता देगा कि तुमने उन्हें धोखा दिया। इतने में वहाँ पर जूली और जर्सी आ जाता है। जूली जॉनी को देख कर बहुत खुश होती है, और इतने में वो उन सभी को बता देता है कि वो अब अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस जा सकते हैं, सब कुछ ठीक हो चुका है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। जाते हुए जूली यूजी को थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उसका बहुत साथ दिया, वो हर कदम पर उसके साथ खड़ा था, पर अब वो उसके साथ नहीं रह सकता क्योंकि उसे जॉनी के साथ जो जाना है। यूजी भी समझदार लड़का होता है इसीलिए वो भी पीछे हट जाता, जिसके बाद ये लोग फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। अब नेक्स्ट डे बॉबी हलीम से कहता है कि आखिर जॉनी को इन सब के बारे में पता कैसे चला, हमें कुछ सोचना होगा वरना वो मेरी बेटी के सारे पैसे हड़प लेगा। उधर जूली शादी की शॉपिंग में बिजी हो जाती है, लेकिन न जाने क्यों वो इससे खुश नहीं थी, उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वहीं एक और जॉनी और बॉबी आमने सामने बैठे थे। दरअसल बॉबी उसे एक अमाउंट देता है उसकी बेटी की जिंदगी से जाने के लिए, लेकिन वो नहीं मानता और उसे एक पेपर पर साइन करने को कहता है जिसमें लिखा था कि जूली से शादी हो जाने के बाद वो उसकी प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सेदार होगा, उसके पास जितने भी शेयर हैं उन्हें जब मन चाहे बेच सकेगा। बॉबी के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसीलिए वो साइन कर देता है, जिसके बाद अब जॉनी का टारगेट था कि जितनी जल्दी हो सके उससे शादी कर ले। इन सब चीजों से परेशान होकर बॉबी अपनी मेड के पास जाता है जो कि यूजी की माँ थी, वो उनकी काफी रेस्पेक्ट करता था। वो उन्हें सब कुछ बताता है तो वो उसे सलाह देती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके उन्हें सच बता दो वरना देर हो जाएगी। उसे भी वो आइडिया सही लगता है इसीलिए वो फौरन आकर अपने बच्चों को कॉल लगाता है, जिसे उसे पता चलता है कि जूली तो शादी करने वाली है। इसीलिए वो फौरन हलीम को लेकर उस वेन्यू पर पहुंचता है और उसे साइन करने से पहले उसे आवाज लगाकर रोक लेता है, जिसके बाद वो उसके पास जाकर उन तीनों को सब कुछ बता देता है कि वो कभी भी दिवालिया नहीं हुआ था, वो उन्हें बस पैसे की कितनी असली कीमत है ये बताना चाहता था। मुझे पता है कि मैंने गलत किया, ये सुनने के बाद तुम लोग मुझे माफ नहीं करोगे। अब जूली तुम मेरे सबसे करीब थी इसीलिए एक बाप होने के नाते मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जॉनी तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसे तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पैसों से प्यार है। अब ये सब सुनकर वो अपने पिता को गले लगाने के बजाय उससे दूर हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो खुद के दम पर कुछ करेंगे, और यही तो बॉबी चाहता था। वो तीनों ही अपने पुराने घर में लौट जाते हैं और इस बारी वो खुद की मेहनत से अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। जर्सी अपनी उसी बस ड्राइवर के दोस्त के साथ मिलकर एक बस वॉशिंग शॉप खोलता है।
उधर जूली ने अब यूजी का साथ थाम लिया था। सभी ने मिलकर उस घर का नक्शा ही बदल दिया। बस एक चीज की कमी थी, वो इंसान है बॉबी। जो उनसे दूर रह रहा है उसे खुद पे बहुत गुस्सा आता है। हम देख पाते हैं कि बॉबी को खुद पर बहुत गुस्सा आता कि उसने ये क्या कर दिया। इससे तो अच्छा था कि वो पहले थे, कम से कम वो सब एक साथ तो थे अपने बच्चों के साथ। उसे दूर वो क्या करेगा। अब इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है और कुछ दिन बाद जर्सी का बर्थडे होता है। सभी बहुत खुश होते हैं, बहुत सारे लोग घर आए हुए थे कि तभी डोर नॉक होता है और जब जूली गेट खोलती है तो वहाँ उसके पिता खड़े थे, हाथ में एक गुलदस्ता लिए हुए, जिससे वो जर्सी को देखकर उसे बर्थडे विश करते हैं। उनकी आंखें बयां कर रही थी कि काश अभी उसके बच्चे ये कह दें कि डैड अंदर आ जाइए, पर इससे पहले वो खुद को मोड़ लेते हैं और चलने लगते हैं। लेकिन तभी जूली आवाज़ लगाती है और जाकर तीनों उसे गले लग जाते हैं और घर के अंदर ले जाते हैं। अब जाकर ये पूरा घर कंप्लीट होता है। घर चाहे 10 करोड़ का हो या फिर 10 लाख का, बिना खुशियों और माँ बाप के वो सिर्फ ईंट और पत्थर का होता है। लेकिन जब अपने हम से दूर चले जाते हैं तभी हमें इस बात का एहसास होता है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करिए जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।